कल मजबूत हो जाएंगे तो 21 लेंगे और उससे मजबूत होगा 51 लेंगे और उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये सोचकर वो मैंने कहीं आपसे लड़ने लगा, आपको एक एक चीज के लिए आपको परेशान करने लगा। जो हमारा 6 साल का एमएलसी देना था उनको शरीयत के तरह वो 15 महीने का एमएलसी दिया और वो हमेशा कहते हैं कि पार्टी विलय कर लो। हमने कहा भैया ये पार्टी हमने बनाया समाज के हक अधिकार देने के लिए, निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए, आंदोलन के जरिए ये पार्टी बना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं, आप हमारे समाज को आरक्षण दे दीजिए, हम पार्टी विलय कर लेंगे। और जब आरक्षण नहीं देंगे तो हम विलय क्यों करें? हम अपने मर्जी से अपनी पार्टी चलाएं और आपके साथ रहें। लेकिन उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने पर्यंत रचकर 15 महीने का एजेंसी बनाया और आज हम उत्तर प्रदेश लड़े पार्टी मजबूत के लिए। आज हमको बोल रहे कि आप उत्तर प्रदेश क्यों लड़े? अरे भैया मुख्यमंत्री भी जो चुनाव लड़े उनको आपने कहाँ रोका? लेकिन आप हमको रोक रहे। मोसा में 4 विधायक में 1 विधायक हमारे मोसाबी पासवान जी का देहांत हुआ। आप लोगों ने खून पसीना बहाकर मेहनत कर कर आपने एक विधायक हमको बना के दिए और ऐसे 4 जगह से विधायक बना उसी के दम पर आज मैं मंत्री बना और हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। उन्होंने क्या किया? 3 विधायक को अपने पार्टी में विलय करा लिया। आप बताइए कि आपने पेड़ लगाया और पेड़ को काटने के लिए चला गया और कौन? ये भारतीय जनता पार्टी, जबकि उनके साथ हम थे, उनकी सरकार बनाए, हमारे वजह से 33 लोग मंत्री बने, लेकिन वो हमारे साथ इस तरीके से कर रहे हैं। आज हमने ये चुनाव, ये सीट हमारा था जबरदस्ती। पहले तो 4 महीना हमको गाली दिल रहा है, 4 महीने हम तो भी सहते रहे क्योंकि हमको चुनाव लड़ना था और वो भी किससे? हमारे भाई से, हमारे समाज के बेटा से हमको बेइज्जत करते रहे, लेकिन हम चुनते रहे क्योंकि चुनाव लड़ना था। फिर उन्होंने जबरदस्ती हमारे घर का कब्जा कर लिया, अपने प्रत्याशी को उतार लिया। हाँ, कि ठीक है आप भी लड़िए और हम भी लड़ते हैं, जनता के बीच में जाएंगे और जनता न्याय करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? जैसे हम नॉमिनेशन प्रत्याशी का तो उन्होंने हमारे 3 विधायक को तोड़ लिया। लोग कहते हैं कि एक एक विधायक को 100 करोड़ रुपया दिया, बात हमने आगे से सारे लोग प्लीज साइड हो जाए और बैठ जाए। आगे आगे आपके बीच में बोलिए बिहार में ठंडा के उठता हुआ सितारा सबक लोग तेरे बिहार करना वाला मुकेश सहनी जी का पदार्पण हो चुका है। साथियों शांति बना रहे हैं।